हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को चिकनकारी कुर्ती का कलेक्शन। और जैसे कि ना ये अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो गया, और मैं इस मंथ में क्या होता है ना, बहुत सर्दी होती है ना बहुत गर्मी होती है, बहुत सा सुहावना सा मौसम होता है कि आप बिना सोचे कुछ भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैं बात करने वाली हूँ चिकनकारी कुर्तों पे। तो गाइस, चिकनकारी एक ऐसा अटायर होता है जिसे अपना राउंड ऑफ द ईयर स्टाइल कर सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज है कि कभी आउटडेटेड नहीं होता है। आप आज भी पहन सकते हो, आज से 10 साल बाद भी पहनोगे तब भी फैशन में रहता है। ऐसी एम्ब्रॉयडरी होती है चिकनकारी की, बहुत ही ज्यादा मतलब एक अलग टच देती है, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई होती है और बहुत अच्छा लगता है इसे पहनने के बाद में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक अलग ही शान है हमारे लखनऊ की चिकनकारी वर्क, तो हर कोई लखनऊ तो जा नहीं सकता इसे लेने के लिए। तो अभी बहुत सारे सिटीज में चिकनकारी के कुर्तीज मिलने लगे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं चिकनकारी के कुर्ते के, साड़ी के, सभी चीजों के। तो मुझे चिकनकारी कुर्ते पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे पास ऑलरेडी चिकनकारी का बहुत ह्यूज वाला कलेक्शन है। और मैं जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, मैं अपने वार्डरोब में ना चिकनकारी ड्रेसेस का ना कलेक्शन फिर से लेने लगती हूँ। तो मैंने अभी 4 कुर्ते मंगाए हैं अपने लिए चिकनकारी के, और चारों ना बहुत बेस्ट वाले कुर्ते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए और मैंने बहुत मल्टीवेज में स्टाइल करने वाली हूँ। इसके पहले भी मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा कलेक्शन चिकनकारी का, उनके वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। क्योंकि अभी मैं मार्केट के दिखाती हूँ वीडियोस, आप सभी लोग कमेंट करते हो कि दीदी ना प्लीज ये ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ऑनलाइन नहीं अवेलेबल हो पाती है कई सारी चीजें। तो अभी मैंने ना चिकनकारी कुर्ते इसके पहले भी ऑनलाइन मंगवाए थे और अभी फिर से मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, तो उनका सारा कलेक्शन मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये 4 कुर्ते मैंने मंगवाए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स में आप देख सकते हैं। और ये 4 कुर्ते मैंने मंगवाए हैं आहान आर्ट से। तो आहान आर्ट के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि आहान आर्ट का इंस्टाग्राम पे एक पेज है, और मैंने इनके पास से पहले भी शॉपिंग की थी, इनके पास से पहले भी मैंने कुर्ते मंगवाए थे, 5 से 6 कुर्ते मंगवाए थे, और प्लाजो एंड सरारा भी मंगवाए थे, मतलब क्वालिटी माइंड ब्लोइंग थी। तो देन तब भी मैंने सेकेंड टाइम इनसे फिर से परचेज किए हैं 4 कुर्ते, बहुत सुंदर सुंदर से। आहान आर्ट का इंस्टाग्राम पर पेज है, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पे पेज है उनका, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया है उन्होंने, जिसके थ्रू भी आप उनसे शॉपिंग कर सकते हैं, आप उनके पेज को फॉलो कर सकते हैं एफबी एंड इंस्टाग्राम पे, जिससे आप उनकी न्यू अपडेट्स को चेक कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा वाला कलेक्शन देख सकते हैं। उनके इंस्टाग्राम पे बहुत ही सुंदर वाला कलेक्शन है, एंड वो व्हाट्सएप पे भी बहुत अच्छा कलेक्शन अपने ग्रुप में शेयर करती रहती है। आहान आर्ट जो है प्रियंका का पेज है, प्रियंका इसको हैंडल करती है। तो अब मैं दिखाती हूँ सारे कुर्ते, और इनके सभी के प्राइस भी आप लोग को मैं बताती चलूंगी, स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे आप लोगों को। और मैंने इन्हें कैसे स्टाइल किया है ये भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। मैंने कुर्तों को थोड़ा सा अलग अलग वेज में स्टाइल किया, कुछ कुर्तों को कुछ को ऐसे ही पहन लिया। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा स्टाइल, देन आप लोग ऐसे कुर्ते मंगा सकते हैं, मेरे तरीके से आप भी स्टाइल कर सकते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले दिखाती हूँ आप लोग को, तो ये रेड कलर का फर्स्ट कुर्ता जो मैं दिखा रही हूँ, रेड कलर का कुर्ता है। इसमें पूरा इसी कलर से ना एम्ब्रॉयडरी की गई है, सेम कलर से स्लीव आप देख सकते हैं इस टाइप से है। मैंने इसमें अपना साइज 38 मंगाया था, बट 38 थोड़ा मुझे लूज था, देन मैंने इसे ऑल्टर करवाया है। तो आप देख सकते हैं पूरा फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है। और अगर मैं इसकी घेर की बात करूं तो इतना घेर मैंने मंगवाया, इतना घेर है इसमें, आप देख सकते हैं मैंने वेयर करके दिखाया है। वैसे ना आपको और ज्यादा घेर वाले भी मिल जाएंगे, बट मुझे ज्यादा घेर वाला नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि बहुत हैवी हो जाता, मुझे सिंपल सा कुछ चाहिए था। और ये इतना हल्का है कि आप समर में ना इसे स्टाइल करेंगे तो इतना सुंदर लगेगा, कहीं भी स्टाइल करके जाएंगे एक अलग ही लुक आता है। और इसमें पूरे पूरे कुर्ते में बहुत सुंदर सा वर्क है, नीचे कैरियों वाला डिजाइन में ना ऊपर से पूरी बेल वेल सी बनी हुई, पूरा बहुत सुंदर है। मैंने इसे स्टाइल किया है 2 तरीके से। फर्स्ट स्टाइल आप देख सकते हैं कि मैंने इस कुर्ते को स्टाइल किया है सरारे के साथ में। ये सरारा जो मैंने वियर किया ये भी मैंने आहान आर्ट से ही परचेज किया था। इसके पहले एक वीडियो मैंने चिकनकारी का और डाला था आहान आर्ट का, उस टाइम पे मैंने सरारा परचेज किया था। तो मैंने उसको आज इस कुर्ते के साथ स्टाइल किया है, और इसके साथ ही मैंने इनके पास से लाइनिंग भी मंगवाई थी। आपको सेम लाइनिंग में मिल जाती है, 100 या 120 या 150 रुपीज के अराउंड लाइनिंग मिल जाती है इनके पास से। तो आप मैचिंग लाइनिंग भी मंगा सकते हैं, मैंने मैचिंग लाइनिंग भी मंगवाई थी इनके पास से। तो मैंने इसके साथ जो वेयर की हुई है,
और आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट लुक मैंने क्रिएट किया था व्हाइट कलर के सरारे के साथ में, और मैंने दुपट्टा नहीं लिया था इसके साथ में कोई, आप चाहे तो व्हाइट कलर का दुपट्टा भी ले सकते हैं। सेकंड लुक मैंने इस कुर्ते के साथ जो क्रिएट किया है वो मैंने सेम रेड कलर के, रेड को रेड के साथ मैंने क्रिएट किया है। रेड कलर की लेगिंग पहनी है मैंने इसके साथ में, और रेड कलर का कुर्ता है इसके साथ। मैंने बहुत ही सुंदर ये लाजपत नगर वाली चुन्नी इसके साथ मैंने ओढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे से सीसे लगे, ये थोड़ा सा फेस्टिव लुक एंड पार्टी लुक बन जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने इसके साथ पहना एक चोकर व्हाइट कलर के मोती वाला, जो कि मैंने सदर बाजार से लिया था, और ये लुक बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग लग रहा था, और आप देख सकते हैं मुझे तो बहुत सुंदर लगा। और स्लीपर्स में मैंने पहनी है इसके साथ में अपनी ये राजस्थान वाली स्लीपर जो मैंने वहां से खरीदी थी। तो गाइस कैसा लगा फर्स्ट लुक आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसका प्राइस जो है वो 1000 रुपीज, केवल 1000 रुपीज का ही कुर्ता पड़ा। फैब्रिक क्वालिटी इसकी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इसमें इसके जितने भी कलर्स उनके पास अवेलेबल है वो सब कलर चार्ट में यहाँ पे लगा दूंगी, जिससे अगर आपको और कोई कलर चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। मैंने रेड मंगाया, अगर आपको कोई और कलर चाहिए हो तो आप देख सकते हैं, मैंने उसका भी कलर चार्ट लगाया हुआ है। तो गाइस ये तो बात हो गई फर्स्ट कुर्ते की, अब मैं आपको सेकंड कुर्ता दिखाती हूँ जो मैंने मंगवाया है। सेकंड कुर्ता मंगवाया मैंने बहुत ही डिसेंट सा कलर, क्योंकि मेरे पास इस कलर का कुछ भी नहीं था, तो मैंने इस टाइप का ये देख सकते हैं बैगनी कलर मंगवाया है, बोल सकते हैं जामुनी कलर जिस टाइप का ये कलर मंगवाया है, और इसमें पूरे मल्टी कलर थ्रेड से काम हो रखा है, बहुत ही सुंदर। ये कॉटन के फैब्रिक के पे, जिसके पहले मैंने दिखाया था वो जॉर्जेट के फैब्रिक पे था, ये कॉटन के फैब्रिक पे बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है मल्टी कलर से पूरी, यहाँ देख सकते हैं बहुत सुंदर पूरे कुर्ते में छोटे छोटे से फूल बने हुए, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, और पीछे से प्लेन है एकदम से, और इसमें भी साइज देख सकते हैं आप 38 है, और मैंने इसे पे ऑल्टर नहीं करवाया है, तो ये मुझे लिटिल बिट लूज है, तो इसे मैं आगे चल के धीरे से करवाऊंगी ऑल्टर, अभी नहीं करवाया है। और इसकी स्लीव भी आप देख सकते हैं मुझे फुल आई है, इसकी स्लीव फुल स्लीव है, और इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है। मैंने इसे स्टाइल किया है ऑरेंज कलर की लेगिंग के साथ में, मुझे काफी अच्छा लग रहा था ऑरेंज कलर की लेगिंग के साथ में, तो फर्स्ट मैंने इसे ऑरेंज कलर की लेगिंग के साथ स्टाइल किया है, और दूसरा मैंने इसे व्हाइट कलर के प्लाजो के साथ स्टाइल किया है, क्योंकि व्हाइट कलर प्लाजो के साथ तो सभी कुछ अच्छे से चल जाता है, तो मैंने इसे व्हाइट कलर प्लाजो के साथ स्टाइल किया है। तो आप भी अगर इस टाइप का कोई कुर्ता लेना चाहते हैं तो उनसे परचेज कर सकते हैं, और इसमें और कौन कौन से कलर उनके पास है उसका भी मैं कलर चार्ट यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं, तो आप उससे भी परचेज कर सकते हैं। तो सेकेंड कुर्ता ये था, इसका प्राइस था 600 रुपीज, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सभी पे कुर्तों पे ना शिपिंग फ्री है, कोई एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस आपको नहीं पड़ने वाले हैं। अगर आप ये 600 का कुर्ता मंगवा रहे हैं तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 600 ही पे करने होंगे, कोई हिडन शिपिंग चार्जेस नहीं है, इनमें से कोई भी कलर परचेज कर सकते हैं आपको जो भी अच्छा लगे। तो गाइस ये तो हो गई सेकंड कुर्ते की बात, मैं थर्ड कुर्ता दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेड एंड ब्लैक इस टाइप के कलर मेरे फेवरेट है, तो मैंने एक कॉटन का कुर्ता मंगवाया है रेड और व्हाइट में, क्योंकि इस टाइप के कुर्ते ना बड़े सही लगते हैं, मुझे कलर बड़ा सही लगता है ये। तो ये रेड कलर का कुर्ता है, इसमें व्हाइट कलर से बहुत ही सुंदर वर्क हो रखा है थ्रेड से, देख सकते हैं पूरे ही कुर्ते में बहुत सुंदर वर्क हो रखा है। इस टाइप का मेरे पास एक येलो कलर का कुर्ता है जो मैंने कहीं और से मंगवाया था, तो ये इस टाइप का कुर्ता है, देख सकते हैं फैब्रिक कॉटन है इसका, इस टाइप से पूरा है, बैक में इसमें थोड़ा सा एक फ्लावर बना हुआ है, और इस टाइप का इसका भी इसमें साइज जो था मेरा अवेलेबल नहीं था, 36 मुझे आता है वो अवेलेबल नहीं था, तो इसमें 40 साइज है, मैं इसे भी ऑल्टर करवाऊंगी। अभी मैंने बस इसे इसी तरीके से पहन के दिखा दिया है नॉर्मल, तो आप देख सकते हैं ये वाला कुर्ता है, तो इसे मैंने स्टाइल किया है, इसमें व्हाइट कलर का काम था तो व्हाइट कलर के फ्लेयर पैंट के साथ भी स्टाइल करके दिखाया है, मैंने व्हाइट कलर का फ्लेयर पैंट पहना है, व्हाइट कलर की चुन्नी ली है फर्स्ट लुक में। सेकंड लुक में इसे मैंने पहना व्हाइट कलर का सिगरेट पैंट, वो भी किसी स्टोर से ही मैंने मंगवाया था, वो आप देख सकते हैं शायद इनके पास भी वो आपको सेट मिल जाए, उस टाइप का पैंट मिल जाए तो आप ले सकते हैं उस टाइप का पैंट। तो इसके प्राइस की बात करूं तो ये 500 रुपीज का है, और इनके पास ना इसका पूरा सेट भी अवेलेबल है, ये मैंने सिर्फ कुर्ता मंगवाया है, अगर आप चाहें तो मैं फोटो अटैच करूंगी तो आप देख लेना, वो पूरे सेट के साथ है जिसमें कुर्ता दुपट्टा एंड पैंट तीनों चीजें हैं, तो उस वाले सेट को भी देख सकते हैं 1150 या 1350 समथिंग का सेट है पूरा, जिसमें दुपट्टा एंड और पैंट तीनों चीजें मिल रही हैं, तो अगर आप वो पूरा सेट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसमें भी कलर बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये तो थी थर्ड कुर्ता जो आप लोग ने देखा, बहुत सुंदर है, आप किसी और कलर में भी मंगवा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ व्हाइट कलर का कुर्ता, जिसे मैं बहुत दिन से लेना चाह रही थी, और एक मैंने एक ऑलरेडी कुर्ता एक व्हाइट कलर का खरीदा भी था, बट मुझे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का व्हाइट कलर का कुर्ता चाहिए था, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये व्हाइट कलर का कुर्ता। तो इसमें देख सकते हैं, पहले तो इसका नेक वाला डिजाइन देखिए, बहुत सुंदर डिजाइन है, और अभी मैं इसे गई थी होली पे घर, तो मेरी बहने से ट्राई करके भी देखा था, बहुत सुंदर था,
तो ये कुर्ता इस टाइप से यहाँ पे नेक पे इस टाइप से प्लीटेड वाला डिजाइन जो होता है वो बना हुआ है, और यहाँ पे लगी हुई है बटन, यहाँ से यहाँ तक बटन, और ये जो है ओपनेबल बटन है। और वर्क की बात करें तो व्हाइट पे सेम व्हाइट कलर का बहुत ही सुंदर वर्क हो रखा है। यहाँ पे गले में थोड़ा सा हैवी वर्क है, बाकी यहाँ पे छोटी छोटी सी बूटियां बनी हुई है। बात करें बैक की तो बैक पे भी यहाँ पे छोटा सा फ्लावर बना, स्लीव इसकी है फुल स्लीव है, और यहाँ पे स्लीव में भी डिजाइन बना हुआ है। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी, एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है कॉटन का, मतलब समर में इसे पहनना बहुत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। और मुझे व्हाइट कुर्ते को स्टाइल करने का बहुत मन था, और मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी क्या व्हाइट कुर्ते को मल्टी वेज में कैसे स्टाइल कर सकते हैं। बट अभी मैंने दो लुक्स में क्रिएट करे, आप देख सकते हैं मैंने व्हाइट कुर्ते को व्हाइट सरारा एंड रेड कलर के बंदेज दुपट्टे के साथ फर्स्ट लुक में स्टाइल किया, ये लुक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। सेकंड लुक में मैंने पहना व्हाइट कुर्ते को एक ब्लू कलर की जीन्स के साथ में, और मैंने इसके साथ पहनी है सिंपल सी कोल्हापुरी स्लीपर्स, और ये लुक ना इतना ज्यादा प्यारा लगता है। अगर आप कॉलेज जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, भाई कहीं भी चले जाओ, ये लुक ना हर जगह हिट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला लुक होता है। व्हाइट कुर्ता है, जीन्स ऑफ चाहे तो गले में एक स्टॉल भी डाल सकते हैं, स्कार्फ भी डाल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लुक लगता है ये वाला, बहुत प्यारा लुक लगता है। तो व्हाइट कुर्ते के साथ अभी मैंने दो लुक इसमें दिखाए हैं सिंपल से, बट इसके लिए पूरा फुल वीडियो आएगा जो व्हाइट कुर्ते को आप डिफरेंट वेज में कैसे स्टाइल करें। बहुत ही अमेजिंग आइडियाज मैंने आप लोग के लिए सोचा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा, बहुत ही जल्दी वो वीडियो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर इसके प्राइस की बात करूं तो ये 750 रुपीज का है कुर्ता ये, और इसमें कोई कलर नहीं अवेलेबल होगा, आपको सेम कलर व्हाइट कलर में ही मिलेगा ये कुर्ता। इसमें साइज 38 है, इसको मैंने ऑर्डर करवा लिया था क्योंकि मुझे इसे होली पे वेयर करना था, तो मैंने इसे ऑर्डर करवा लिया, तो अभी ये मेरे फिटिंग का हो गया है और ये बहुत अच्छा है। तो गाइस ये थे 4 कुर्ते, और इन्हें कैसे स्टाइल किया है और कहाँ से लिया है मैंने सब कुछ आप लोग को बता दिया है कि सारे कुर्ते मैंने आहान आर्ट से परचेज किए हैं, जिनका इंस्टाग्राम पेज ऑलरेडी पेज है, यूट्यूब पे आहान आर्ट का चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है उनका, इनका व्हाट्सअप नंबर भी, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके थ्रू आप आराम से परचेजिंग कर सकते हैं इनसे। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना, इनमें से कौन से कुर्ते आप लोग को सबसे अच्छे लगे और कौन सा स्टाइल आप लोग को सबसे ज्यादा प्यारा लगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।